जी डोगर साहब, कल कोई खत लिखा गया था हुकूमत की जानिब से और आप लोगों से चार नाम मांगे गए थे, तो चार नाम आपने दे दिए। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज उस खत के जवाब में अपनी लीडरशिप की हदायत पर मैंने चीफ विप रूलिंग पार्टी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से मीटिंग किया और मैंने उनको अपनी लीडरशिप का पैगाम दिया है कि हमने एक नाम शेख वकास अकरम साहब का चेयरमैन पीएससी के लिए दिया है, तो आप काइंडली उसी नाम को कंसीडर करें। और वो नाम हमने अपोजिशन ने हर तरह से सोच समझ के दिया है और पूरी लीडरशिप ने मुश्तरका तौर पर मुशावरत के बाद दिया है। तो ये अपोजिशन को पीएससी की चेयरमैनशिप जानी है, ये हमारा प्रोगेटिव है, ये कमेटी अपोजिशन के पास ही रहनी है। तो अपोजिशन ने जो नाम दिया है अब उस नाम को काइंडली कंसीडर करें। आज मैंने ये पैगाम अपनी लीडरशिप की तरफ से बतौर चीफ विप अपोजिशन रूलिंग पार्टी के चीफ विप को दिया है। लेकिन अगर हुकूमत मतलब जो हुकूमत है वो ये कहती है कि चार नाम दें तो ये एक नाम हमें काबिल कबूल नहीं है, सर उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी? हुकूमत तो देखें अपनी मनमानियां कर रही है, हर तरह के आइन और कानून की वायलेशन कर रही है, फस्तायत पर उतरी हुई है। हमने जब बनाया था अपोजिशन लीडर साहब को तो हमने तो सब उनसे कोई नाम नहीं मांगे, हमने शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन करवा दिया था। तो अब ये फैसला अपोजिशन ने करना है और अपोजिशन ने अपना फैसला कर लिया है, तो लिहाजा हमारा नाम वकास अकरम साहब का है और उस पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए जो कि पहले ही बहुत डिले हो चुका है।